हेलो हे गाइस, दिस इज निशांत। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू के बारे में, जिसे यार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं। यार उससे पहले यार, अगर हम आपने हमारे कॉलेज के प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो यार। और यार वीडियो को यार आप लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और यार कमेंट बिल्कुल से करना कि क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर इस कॉलेज की बात की जाए तो यार ये एलपीयू की यार बिल्डिंग है, ठीक है, जिसे मेन बिल्डिंग कहा जाता है। और उसके बाद यार स्टैट्स एंड एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात की जाए तो यार इसमें ये कॉलेज यार 2005 में मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, और 600 एकड़ का इसका कैंपस है। तो कैंपस साइज यार एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, जो कि यार काफ़ी सही है। बट यार इन्होंने अगर आप देखोगे तो एलपीयू का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, तो यार ये एक्सेसिव मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं और एडवर्टीजमेंट पे। बट यार उससे जितना ये पैसा खर्च करते उस पर अगर ये यार उसने उस उसमें अगर प्लेसमेंट का ध्यान देते तो काफ़ी अच्छा इनका यार बेटर हो सकता था। बट यार हाँ चलो, हम वीडियो में आगे बात करेंगे, आपको एक एक चीज़ में डेप्थ में बताने वाला हूँ। ये यार अनटोल्ड रियलिटी होने वाला है इस कॉलेज के बारे में। तो यार अगर इस कॉलेज में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, ठीक है, क्योंकि मतलब 4 साल आप अपने कहाँ बिता रहे हो, ये पूरे आपकी ज़िंदगी का सवाल है। जिससे कि आप सही जगह आपको डिग्री मिल रही है या नहीं मिल रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो। यार अगर इसकी फीस की बात की जाए तो यार इसका ट्यूशन फीस अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ रहता है पर एनम। और हॉस्टल एंड मेस चार्जेस की अगर बात की जाए तो यार आपका 80,000 से 1,20,000 तक यार ये वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या लेते हो, सिंगल शेयरिंग लेते हो, डबल शेयरिंग लेते हो, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यार अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो यार अगर आपके 12th में 90% से ज़्यादा है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। उसके अलावा यार बहुत सारी स्कॉलरशिप्स रहती हैं उनके लिए, ठीक है, जो भी एडमिशन एलपीयू में लेते हैं। उसके अलावा यार अगर बात की जाए तो इनका जो है एलपीयू नेस्ट करके एक एग्ज़ाम होता है, जिससे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपकी अच्छी वो रैंक रहती है तो। फिर यार जेईई मेंस परसेंटाइल पे भी आपका काफ़ी ज़्यादा वो स्कॉलरशिप रहता है। अगर यार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ और जो बोर्ड मार्क्स हैं उसमें भी उनके बेसिस पे भी यार ये स्कॉलरशिप देते हैं। तो बेसिकली ब्रांडिंग और स्कॉलरशिप पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद यार तीन तरीके का रहता है आपका, जो तीन फेजेस में रहता है, जिसमें फेज़ वन जो है यार उसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। उसके बाद फेज़ टू जो रहता है यार उसमें कम मिलता है। तो वो यार आपका डिपेंडिंग अपॉन, इस साल जो है ये यार 31 जुलाई तक रहने वाला है अभी, और एग्जैक्ट जो डिटेल रहेगा वो जब भी एलपीयू प्रॉपर डिटेल निकालेगी तो मैं आपको अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो आप वीडियो को यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अगर स्ट्रीम्स ऑफर्ड की बात की जाए तो यार आपका ईसीई है, सीएसई है, आईटी है, मैकेनिकल है और मैकेट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। तो अगर यार आपको कहीं भी कॉलेज किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता तो आप यार सीएसई और आईटी के अलावा और कोई भी ब्रांच प्रेफर मत करना, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट आपको नहीं लगने वाली, लगभग ना के बराबर प्लेसमेंट है। उसके बाद यार फैसिलिटीज़ एंड पर्क्स की बात की जाए तो यार बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के, अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट को यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो यार बेस्ट है। जो लैब्स और जो आपकी क्लासरूम्स होती है वो वेल स्टैब्लिश्ड है, वेल मेंटेन रहती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके बाद यार जो कंप्यूटर लैब है उसमें यार मोस्टली जो डिवाइस आपका कंप्यूटर वो यार मैक है, मतलब मैक स्टूडियो देते हैं ये, कुछ कुछ हाई एंड जहाँ पे काम हो रहा होता है। उसके अलावा जो आई मैक रहता है वो यार ये प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद यार इनका जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पे यार अराउंड 2.5 लाख बुक्स की कलेक्शन है। और उसके अलावा यार अगर बात की जाए तो अगर आपके पास पैसा है तो आप मॉल हो गया, फूड कोर्ट हो गया, पिज़्ज़ा, डोमिनोज, अमूल, सीसीडी, कहीं भी आप जा सकते हो। सब कुछ यार कैंपस के अंदर ही यार ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको यार खर्च करने के लिए कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है।
उसके बाद एलपीयू का यार अपना मॉल है जो कि मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आप जाके चिल कर सकते हो यार, मूवीज देख सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सही है, मतलब एक कॉलेज, क्योंकि 600 एकड़ का इन्होंने कैंपस बना रखा है, तो उसमें यार वो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यार अगर मतलब क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके बारे में यार कुछ डिस्कशन करेंगे, और इसको यार मैं इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, ठीक है। तो अगर यार अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस पॉलिसी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 75% अटेंडेंस ये यार मतलब कहते हैं कि मेंटेन करके रखो, और जो मतलब क्लासेज हैं यार, फैकल्टी जो है यार थोड़ी सी मतलब अजीब सी है, अजीब वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए प्रोफेसर्स के लिए, बट स्टिल मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यार प्लेसमेंट्स जो है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप इन्होंने कर रखा है। अगर किसी एक बच्चे का भी होता है अमेजोन में, तो ये यार मतलब बहुत ज़्यादा पोस्टर्स बना बना के दिखाते हैं, ब्रांडिंग पे बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और मैंने वही बताया। उसके अलावा यार जो कोर ब्रांचेज हैं उनकी प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब डेड कह लो आप एक तरीके से। तो और जनरली क्या होता है, जो सीएसई हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, एरोस्पेस, उनको यार सीएसई के प्लेसमेंट में बैठने भी नहीं देते, जो कि यार एक डिसएडवांटेज है मतलब मेरे अकॉर्डिंग। फिर यार जो अथॉरिटीज़ है वो यार वियर्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो, आप अगर ये सोचोगे कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो हम मतलब अपने फैकल्टीज़ जो भी अथॉरिटी है उनको कंप्लेन कर सके, तो वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद जो भी आपका है, ड्रग कल्चर यार काफ़ी ज़्यादा है मतलब कॉलेज में, और बैकलॉग्स जो है ना, लॉ बहुत ज़्यादा बच्चों की बैकलॉग्स आती हैं, ताकि यार ये मतलब ये कॉलेज की एक स्ट्रेटजी कह लो या जो भी है, मतलब कुछ भी उल्टी चीज, जो जो भी मतलब इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि यार जो इन्वायरमेंट है कॉलेज का वो इतना सही नहीं है, और जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ों में रहते हैं, जिसकी वजह से यार उनके बैकलॉग्स आ जाते हैं। और मतलब कॉलेज भी यार मतलब पुश करती है कि बच्चों के हम बैकलॉग डालें, पता नहीं ऐसा क्यों करती है कॉलेज में, लेकिन मतलब वहाँ के बच्चों से बात करके यही पता लगा है। उसके बाद अगर प्लेसमेंट्स की बात की जाए, तो यार ओवरऑल जो पैकेज है यार मतलब कॉलेज का, वो अराउंड 3.3 से 5 LPA के बीच में रहता है, ठीक है। और जो एवरेज पैकेज है यार सीएसई का, अराउंड 5 LPA फ्लक्चुएट होता है। तो यार अगर आपको पता होगा, तो जो आईपीयू के कॉलेजेस हैं, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, तो उनमें यार जो आईपीयू के छोटे लोअर कॉलेजेस भी हैं यार, उनका भी इससे ज़्यादा रहता है, बट वहाँ पे आपको 600 एकड़ का कैंपस नहीं देखने को मिलता। तो आप उन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो अगर आपको मतलब यार एक डिसेंट बस प्लेसमेंट चाहिए तो। और यार आईपीयू के कॉलेजेस की भी वीडियोस मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो उस पर यार थोड़ा सा मैं डिटेल में यार बना रहा हूँ, कि ताकि एक एक पॉइंट में बता सकूँ, और किस लिए आईपीयू के कॉलेजेस को यार आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप दिल्ली स्टूडेंट हो तो। क्योंकि यार उसमें 20,000 पर ईयर में भी आपकी डिग्री हो जाती है एक प्राइवेट कॉलेज में आईपीयू के, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलो अगर इसमें बात की जाए, तो यार कोग्निजेंट जो है यार ये मास रिक्रूटर है, उसके अलावा जो प्लेसमेंट है मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब सिटी प्लेसमेंट है, और जो कोर ब्रांचेज है यार उनका तो आप मतलब क्या ही कहो, भगवान भरोसे उनकी यार प्लेसमेंट चल रही है, ठीक है। जो इनके यार पास्ट रिक्रूटर्स हैं उनमें यार TVS, आइडिया, सिटी बैंक आपका, उसके बाद एसेंचर, कोग्निजेंट, ये सब हो गए, जिसमें यार एसेंचर और कोग्निजेंट बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है बच्चों को, और वो अराउंड वही आपका 3 to 3.5 LPA पैकेज देती है। अगर हॉस्टल की बात की जाए, तो यार आपके इसमें दो तरीके के हॉस्टल है, AC एंड नॉन AC। जो AC हॉस्टल है वो यार सिंगल और डबल रूम ऑक्यूपाइड हैं, और कॉमन रूम है यार 4 रूम्स के लिए जो है ना। उसके बाद यार जो नॉन AC हैं वो यार डबल और ट्रिपल एंड फोर शेयरिंग रूम्स हैं। उसके बाद यार अगर अटेंडेंस की बात की जाए, तो अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यार उसमें भी, हॉस्टल में भी। और हॉस्टल जो है यार 9 PM फॉर बॉयज़, इन्होंने कर्फ्यू टाइमिंग डाल रखी है, और 7 PM फॉर गर्ल्स। उसके बाद यार जो वाईफाई फैसिलिटी है यार वो ओके है, आजकल के ज़माने में भी ये यार जो वाईफाई फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करते, जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो खुद का जो आपका इंटरनेट हॉटस्पॉट है वो यार क्रिएट कर लें। और क्लिनलीनेस की बात की बात जाए, तो यार वो इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है। उसके अलावा यार हॉस्टल की जो बेसिक एमेनिटीज़ है वो यार आपका अलमीरा, आयरन बेड, फैन, प्लास्टिक चेयर, और ये सब जो बेसिक एमेनिटीज़ रहती है वो यार प्रेजेंट है। उसके बाद हॉस्टल में जो यार है यार वो TV, कॉमन रूम और प्लेइंग रूम और योगा रूम आपको मिलेगा। अगर यार मेस के खाने की बात की जाए, तो यार मेस के फूड की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यार जो बच्चे हैं वो बाहर के जो ईटरीज होती है, मतलब जो कॉलेज कैंपस में ईटरीज बने हुए हैं, आउटलेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद यार जो स्टूडेंट है वो यार डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड मॉल में मतलब वो डिपेंड करते हैं खुद को। तो आप ये मान लो कि आप यहाँ पे मेस में और हॉस्टल के चार्जेस 80,000 to 1,20,000 दे रहे हो, उसके बाद भी आपको फूड उतनी अच्छी नहीं मिल रही, तो ये यार आपका अलग से बर्डन है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, वहाँ पे आप अपने 4 साल बिता रहे हो। उसके बाद यार अगर जो फूड हाइजीन और क्लीनलीनेस है वो यार बहुत ज़्यादा बेकार है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया।
उसके बाद कभी कभार जो होता है यार, जब आपका इंस्पेक्शन हो रहा होता है उस टाइम यार फूड की क्वालिटी सही कर देते हैं जो मैनेजमेंट वाले हैं, तो वो आपको यार बहुत रेयर मिलेगा, साल में एक दो बार ही आपको जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। उसके बाद अगर आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए तो वो मैं आपको बताता हूँ यार एलपीयू के बारे में। तो यार इसमें जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है, इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर रखा है, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ आप मैटर कर सकते हो। उसके अलावा यार आपको जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं मतलब वो भी आपको देखने को मिलेंगे आपके कॉलेज कैंपस में, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यार जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब, अगर पंजाब की बात की जाए तो यार थापड़ के बाद इसको अच्छा कॉलेज माना जाता है, जो थापड़ में जो बच्चे मतलब अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हो तो आप यार अगर अपने स्टेट में ढूंढो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो थापड़ को यार नॉर्थ इंडिया का बेस्ट पिलानी कहा जाता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो उस कॉलेज के बाद यार इसको एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में कंसीडर किया जाता है। और उसके अलावा यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो, उसका भी सेम ही एक्सपोजर रहता है ऑलमोस्ट। उसके बाद यार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यार वो बहुत सही है, आपको एक फॉरेन वाली फील आने वाली है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो यार दी बेस्ट है। और यूनिवर्सिटी में जो यार ये आपके गुड रेस्टोरेंट्स हैं, ईटीज़ है, मूवी हॉल हो गया, कैफ़े हो गया, और जो भी है सब कुछ यार आपके कैंपस के अंदर बना हुआ है, तो आपको अगर डेट पे जाना हो तो वो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो खुद को। अगर फेस्ट की बात की जाए तो यार वन इंडिया जो है इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट है एलपीयू का, उसमें यार जस्सी गिल, उसके बाद यार बबल राय और इन लोगों ने यार परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद यार बॉलीवुड के जो मतलब हैं यार अक्षय कुमार हो गया, आपके जैकलिन फर्नांडिस हो गया, उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्या बालन, इन सब ने यार मतलब अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए यार विजिट करते रहते हैं एलपीयू के कैंपस को। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यार लुधियाना एयरपोर्ट से यार 60 किलोमीटर दूर है, और आपका जलंधर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से यार 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी सही है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी की यार कितनी ही तारीफ की जाए वो मतलब बहुत ही कम है इस कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आपको 20 बैडमिंटन कोर्ट्स मिलते हैं, 20 बैडमिंटन कोर्ट, जो कि यार IITs में भी आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है 20 बैडमिंटन कोर्ट। उसके बाद यार स्क्वैश कोर्ट, शूटिंग रेंज, ओलंपिक साइज पूल, उसके अलावा यार आपका सेपरेट डाइविंग पूल भी मिल जाएगा आपको, रेसलिंग, जो भी आप यार गेम सोच सकते हो, स्टेट ऑफ द आर्ट जिमनेजियम, चेस, टेबल टेनिस, उसके बाद टाइकोंडो, सॉफ्ट बॉल, मतलब फुल आपको यार अमीर वाली फीलिंग आने वाली है इस कॉलेज में। और ये मैंने यार अटैच कर दिए कुछ कुछ पिक्चर्स। उसके बाद यार एलुमनाई की बात की जाए तो शहनाज गिल, जो आपको पता है यार एक्ट्रेस हैं, वो भी इस कॉलेज की रह चुकी है। उसके अलावा यार जसबीर सिंह वो इंडियन ऑथर हैं। उसके अलावा यार जो आपके तेज सिंह संधू हैं यार वो एप्पल में जॉब करते हैं, तो ये यार इसके एलुमनाई हैं। और अगर फाइनल इस कॉलेज की बात की जाए तो यार अगर आप 4 साल यार ऐस मौज में बिताना चाहते हो तब तो डेफिनेटली इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, बट यार अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप इस कॉलेज में जाओ, तो बस यही है। उसके अलावा यार अगर आप चिल करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, तो ये कॉलेज आपके लिए काफ़ी सही ऑप्शन है। इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर आप लेना चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और बट अगर आप यार करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहो तो मत जाओ इस कॉलेज में। और इस कॉलेज को यार आप जो है ना इस कॉलेज के ऊपर आप MIT शारदा को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यार IPU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उन कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हो, बट यार उनके कैंपस जनरली छोटे होते हैं, IPU के 5 to 10 acres के ही कैंपस होते हैं, तो वो आपको जो एक्सपोजर इन कॉलेजेस में मिलने वाला है एक्स्ट्रा करिकुलर के टर्म में वो यार IPU के कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगा। या बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर यार मैं बताऊं तो यार आप इसको चंडीगढ़ से ऊपर रेट कर सकते हो, बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी यार इन कुछ ही दिनों में यार लास्ट फ्यू इयर्स में इन्होंने अपनी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी बना ली है, तो आप देख लेना कि कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो बस यार वीडियो में इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यार अराउंड इतने ही लोग जो हैं ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि यार बहुत ही कम है। मतलब अगर हर एक 100 में से यार सिर्फ 10 लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यार कैसे चलेगा, मोटिवेशन कैसे आएगा गाइज। तो हाँ, अगर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की बात हो तो आप वो मेरे को डेफिनेटली बता सकते हो, लेकिन यार चैनल तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो गाइज, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस कॉलेज में लेने की एडमिशन सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को प्रॉपरली ढंग से देख लो, क्योंकि मतलब 4 साल यार अगर आप कहीं पे बिता रहे हो तो वो आपकी लाइफ बना रही है। तो बस यही चीज़ है, और भी यार बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, और IPU जो दिल्ली के बच्चे हैं उनमें मैं यार IPU के सारे कॉलेज ऑलमोस्ट कवर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।